गई और ये इसके गायब होने की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग गए, एस पी सिटी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हम लोग सारे सब वहाँ पर गए, तो वहाँ पर सब लोगों ने देखा कि कोई छोटे छोटे होल थे, शायद उससे आगा आशंका की जा रही है, लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। उसकी जांच हो रही है और कैसे भागे इसकी जांच का विषय है। जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश किया गया है, जाँच की जाएगी। सर, सुरक्षा की दृष्टि क्या लगता नहीं, वो जेल अस्थाई जेल है वो सुरक्षित नहीं है? अभी 19 जून को भी दो कैदी वहाँ से फरार हुए थे, लेकिन इसके बारे में कमेंट, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब कुछ सोच समझ कर रखा गया है इनको, तभी सुरक्षा व्यवस्था पूरी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असुरक्षित मैं तो नहीं कह सकता, सुरक्षित है, लेकिन हो जाती है, बड़ी बड़ी जेलों से घटना हो जाती होती है, बड़े जेल कैदी भाग जाते हैं, लेकिन हाँ ये जाँच इसका विषय है, इस पर और सुरक्षा मजबूत की जाएगी, ऐसे निर्देश दिए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, ऐसे निर्देश दिए गए। तो ये सर क्या पाबंद था? 100 गुंडा एक्ट में था, गुंडा एक्ट के तहत थाना बक्सा से बंद हुआ था और गुंडा एक्ट में इसको रखा गया था। कोई ऐसी कितनी टीमें बनाई गई सर? इसमें 4-5 टीमें बनाई गई है और संबंधित थाने जहाँ से थाने का उनके थाने की टीम बनाई गई है, थाने वाले भी वहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। अब चार टीमें बनाई हैं, पूरी एस पी सी टीम हमारे उसमें, और मैं खुद भी उसमें हूँ, और कार्रवाई के लिए हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी ही गिरफ्तारी कर लिया।